पिता परमेश्वर को पाने के लिए हमें उनसे प्रेम करना है, असीम प्रेम करना है, जिसकी कोई लिमिट ना हो। और प्रेम जब असीम होता है तो फिर कोई भी ताकत नहीं जो कि एक शिष्य को अपनी मंजिल पर जाने से रोक पाए। वहाँ तक पहुँचने के लिए कई चीज़ें हैं जो कि हमें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली ये कि कोई भी बाहर की चीज़ ऐसी नहीं जो कि हमें सदा सदा का सुख चैन दे सकती है। कोई भी अट्रैक्शन इस दुनिया की ऐसी नहीं जो कि परमानेंट सुख चैन दे पाए। तो उनसे लगाव हमने हटाना है। वो सिर्फ हमें चंद क्षणों का सुख देते हैं और फिर उतने समय में वो समय जो हमारा उस और लगता है वो हमारा समय बर्बाद हो गया। उस समय में हम प्रभु की नज़दीकी पा सकते थे लेकिन हमने पाई नहीं। दूसरी चीज़ वो समझाते हैं कि भारी चीज़ों को देखकर हम अपना ध्यान ऐसा ना करें कि सिर्फ जो बाहर से हमें समझ में आया है वैसे हम ज़िंदगी बनाएं। बाहर से तो हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं, बोलने के तरीके भी अलग, सोच भी अलग, बिलीफ भी अलग। तो फरमाते हैं कि उस दीवार को हमने तोड़ना है, वो दीवार जो हमें अलग 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 करती जा रही है। और ये जानना है कि हम सब एक ही हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि हम इंसान क्या करते हैं, अपने धर्मों के लिहाज से, अपने कल्चर्स के लिहाज से, अपने देश के लिहाज से दूसरों को अपने से अलग समझते हैं। सोचते हैं हमारे देश का नहीं है, परदेसी है, ये हमारे धर्म का नहीं, इसका तो ध्यान कहीं और है, ये हमारी कल्चर का नहीं है, पता नहीं कैसे चीज़ें करता है। तो वो फरमा रहे हैं कि हर्मोदैर में बट जाते हैं रिंदाने वफा, हर्मोदैर की तकलीफ मिटा दे सागी। एक प्रार्थना पिता परमेश्वर से कर रहे हैं कि ये जो बाहर की दीवारें हैं जिन्होंने हमें अलग अलग कर दिया है, उन दीवारों को आप गिरा दीजिए ताकि हम सब ये जान पाएं, अनुभव कर पाएं कि हम सब एक ही हैं, कि हम में कुछ फ़र्क नहीं, हम किसी से अलग नहीं, किसी से हम दूर नहीं, हम सबके नज़दीक हैं। तो ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए कि अगर ये अंदरूनी आँख खुलेगी, अगर ये खुलेगी तभी असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी होगी। अगर ये खुली नहीं, सिर्फ बाहर की चीज़ें करते रहे, प्रभु को पाने के लिए ये शिव नेत्र, ये दसवां द्वार खुलना ज़रूरी है कि चश्मे बीना हो तो हर जर्रे में है आसारे दो। कि जब ये अंदर की आँख खुलती है तो फिर हमें ये अनुभव हो जाता है कि कण कण में पिता परमेश्वर समाये हुए हैं, वो हम सबके भीतर हैं, हमसे अलग नहीं। और फिर जिंदगी हम उस लिहाज से जीनी शुरू करते हैं। जब तक ये अनुभव ना हो कि हर जर्रे में पिता परमेश्वर हैं, तब तक हम हर एक से प्रेम नहीं कर पाते। आजकल तो साइंटिस्ट भी बता रहे हैं कि जो छोटे से छोटा पार्टिकल है उसके अंदर वाइब्रेशन है। वही जो महापुरुष हजारों सालों से कह रहे हैं कि शब्द के ऊपर सारी सृष्टि रची हुई है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अगर पिता परमेश्वर को जानना है, पहचानना है, तो अंदर की आँख खुलनी चाहिए। अगर वो खुलेगी नहीं तो फिर हम कुछ भी पाने के लायक नहीं होंगे। कि अगर हम बाहर की चीज़ों में ही रह गए
तो फिर ये जिंदगी जो हमें मिली है अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, उसको पाए बगैर ही हमें धरती से चल बसेंगे। एक जगह और वो फरमा रहे कि मंजिले दैर व हरम से मुझे मतलब क्या है, मेरी मंजिल तो वही है, तू जहां है दोस्त। कि एक सच्चे शिष्य को ये अनुभव हो जाता है कि जो कुछ उन्होंने पाना है वो अपने सद्गुरु के जरिए पाना है, जो कुछ उन्होंने पाना है वो प्रेम के जरिए पाना है, जो कुछ उन्होंने पाना है वो पिता परमेश्वर की दया मेहर से पाना है। वो फिर बाहर की चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान सिर्फ उस प्रेम को सिर्फ जागृत नहीं करना, उसको और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है, उस प्रेम का अनुभव और करना है और करना है और करना है। इसीलिए हम देखते हैं कि दूर दूर से लोग अपने सद्गुरु की नज़दीकी पाने के लिए आते हैं, उनके अंग संग उनके दर्शन करें। अगर वो ना किया तो फिर ये जिंदगी जीना बेकार है, ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। और संदर्शन सिंह जी महाराज इस बारे और भी फरमाते हैं कि जब हम एक सच्चे सद्गुरु के सत्संग में जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमें असलियत क्या है उसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि सत्संग में जब भी हम जाते हैं तो पिता परमेश्वर हैं, शिष्य के शुरुआत में थे, आज भी हैं, शिष्य के शुरुआत तक रहेंगे, इसकी समझ आती है। हम उनकी अंश हैं, इसकी समझ आती है, और हमसे उनका रिश्ता नाता डायरेक्ट है, इसकी भी समझ आती है। तो एक जगह फरमा रहे हैं, मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साथ की, जिन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली सच्चाई की, कि सच्चाई क्या है, ज़िंदगी क्या है, हम क्या है, हमारा रिलेशनशिप औरों से क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसका दे क्या है। कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, उन्हें बज्म में बेखबर देखते हैं। वो कहते हैं जिन्हें कुछ असलियत समझ में आ जाए उनका ध्यान बाहर की चीज़ों में नहीं होता, तो बाकी लोग सोचते हैं तो बेखबर है, इनको तो कुछ होश ही नहीं है। ठीक है, और उन्होंने फरमाया कि होश वालों को सरा श्यामा ए हारा देखा, तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देखा। संदर्शन महाराज फरमाते जो अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझते हैं दुनिया का हमें बहुत नॉलेज है, हमें ये भी पता है वो भी पता है, जिनका ध्यान दुनिया की चीज़ों में है, वो फरमाते हैं कि वो कुछ भी पाने के लायक नहीं, और वो दुनिया की ऊंच नीच में लगे रहते हैं, कभी ये चीज़ ऊपर चली गई, कभी ये नीचे चढ़ गई, कभी ये ठीक है, कभी ये गलत है, कभी इसको फिक्स करना, कभी उसको फिक्स करना चाहिए। तो फरमाते हैं कि तेरे दीवाने को हर हाल में छादा देगा, बट जो प्रभु के प्रेम में रंगा गया उसे बाहर की चीज़ की कोई सुध-बुध नहीं, उसे ये भी ख्याल नहीं आता कि कल का खाना कहाँ से आएगा, उसे ये भी ख्याल नहीं आता कि मैं जीऊँगा कैसे, उसे ये भी ख्याल नहीं आता कि मैंने रिलेशनशिप्स इनसे बना के रखने, उनसे बना के रखने, उनसे बना, वो हर हाल में सुख चैन में जीता। क्यों? क्योंकि उसे कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, उसने अपना सारा का सारा ध्यान पिता परमेश्वर में डाल दिया और वो उसकी रजा में जीना शुरू हो गया। जैसे गुरबानी में तेरा भाना मीठा लागे, बाइबल में एज स्वीट एज आई विल, जो प्रभु की रजा में जीना शुरू कर देता है इंसान, उसे फिर कुछ फिक्र फाका नहीं, वो आराम से जीता है, खुशी से जीता है, आनंद से जीता है। उस किस्म की जिंदगी एक सच्चे प्रेमी की होती है, सच्चे शिष्य की होती है, कि उसे मालूम है कि सब कुछ पिता परमेश्वर से मिलना है, सब कुछ अपने सद्गुरु से मिलना है, तो उन्हें किसी चीज़ का फिक्र फाका नहीं रहता। अगर कोई तकलीफ भी है उन्हें मालूम है कर्म है कटने हैं, कोई बात नहीं, ये भी समय कट जाएगा, और उस किस्म की जिंदगी होनी चाहिए। तभी ये फरमा रहे हैं कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, उन्हें बज्म में बेखबर देते हैं। बाहर की सुध-बुध नहीं होती, उनका ध्यान अंदर की दुनिया में लगे, वो सच्चाई को पा गए। बाहर से लोग सोचें ये दीवाने हैं, ये पागल हैं,
लेकिन असली चीज़ की उन्हें समझ है और उनका ध्यान असलियत की ओर है। हम सबको फाइनली उस स्टेज तक पहुंचना है, तभी हम पिता परमेश्वर से एकमेक होंगे। अगर हम एनालाइज ही करते रहे कि रास्ते में ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो हम कुछ पाने के लायक ही नहीं है, हम कुछ पाएंगे नहीं। फिर हमारे दिमाग ने हमको काबू कर रखा है, वो दिमाग ही है जो कि एनालाइज करना चाहता है। लेकिन एक स्टेज हर एक शिष्य की ज़िंदगी में आनी चाहिए, जो आती है, जो सच्चे प्रेमी होती हैं उनकी ज़िंदगी में आती है, जब वो उस एनालिसिस से ऊपर उठ जाते हैं, जब वो अपने सदगुरु का इतना प्रेम पाते हैं, उस प्रेम में इतने खुश रहते हैं कि उन्हें और किसी चीज़ की सुध-बुध नहीं रहती। सदमत का रास्ता बार 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 यही समझाता है, वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं कि एक सच्चा शिष्य अपने सदगुरु की इतनी नज़दीकी पाता है, चाहता है, उनका प्रेम इतना पाता है कि और किसी चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं रहती। ऐसी ज़िंदगी हम सब की होनी चाहिए, यही महापुरुष बार 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 हमें समझाते हैं। और ऐसा इंसान पर जब किसी को भी मिलता है उसे सब एक जैसे लिखते हैं। संदर्शन सिंह जी माँ एक जगह और फरमाते हैं, ऐसे इंसान की बात करें जो प्रभु के प्रेम पे भरपूर है, कि जो बैठे हैं आकर सरे बज्म साकी। वो कहते हैं ऐसा इंसान जब जैसे सत्संग में आ गया या ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ और लोग भी बैठे हैं, जो बैठे हैं आकर सरे बज्म साकी, उन्हें आज शीरो शकर देखते हैं। वो कहते हैं जब वो ऐसा इंसान अपने आप को सत्संग के एटमॉस्फेयर में पाता है, तो क्या पता है, जब दूध में चीनी मिल जाती है तो फर्क नहीं पता लगता कि चीनी क्या है और दूध क्या है, उससे मिठास आती है जब पियो। तो ऐसा इंसान जब आके सत्संग में आता है तो हर एक चीज़ में घुल मिल जाता है, कोई नहीं देखता कि उसके साथ कोई बाहर का बैठा है, बाहर का मतलब किसी और देश का बैठा है कि अपने देश का बैठा है, वो नहीं सोचता। जो साथ में बैठा वो एक धर्म को फॉलो करता है कि दूसरे धर्म को फॉलो करता है, वो नहीं देखता है साथ में जो बैठा है अमीर है गरीब है पढ़ा लिखा है, उसके लिए सब एक है। क्यों? क्योंकि उनका नज़रिया बदल चुका है, वो ऐसी स्टेट पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें अपने सदगुरु के प्रेम के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। और वो स्टेज तब आती है जब के हम जो अपना दिमाग है या जो अपनी मेंटल स्टेट है उसको शांत कर पाते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने इसके बारे में एक जगह फरमाया, वो फरमाते हैं कि जुनूने जिंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे। जुनू वो स्टेट है जो खुशी की स्टेट है, आनंद की स्टेट है, वो स्टेट जो हम सब चाहते हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमें कोई तकलीफ हो, कोई दुख दर्द हो, हम चाहते हैं हर समय ब्लिसफुल स्टेट में रहे, आनंद में रहे। वो कब होगी? जब अपने सदगुरु की नज़दीकी मिलेगी, पिता परमेश्वर की नज़दीकी मिलेगी। तो फरमाया कि जुनूने ज़िंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे, करें अगर वो जुनू की ज़िंदगी पानी है तो जो खिरत इंटेलिजेंस को बोलते हैं, दिमाग को बोलते हैं, कि उसको ख़त्म करना होगा। जब हम सोते हैं ना हमारी इंटेलिजेंस बढ़िया, आईक्यू बढ़िया है, हमारे जनरल नॉलेज बढ़े, हमें और जानकारी हो, तो जानकारी किस चीज़ की? बात दुनिया की चीज़ों की। तो जितनी ज़्यादा दुनिया की चीज़ों की जानकारी पता उतना प्रभु से हम दूर चलते जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उसको हमने शांत करना है, ख़त्म करना है, कि जो इंसान खिरत को मुंतकिल कर दे, कि जो चीज़ जो इंटेलिजेंस है जो क्वेश्चन करती है, हर वो एनालाइज करती है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, और फिर जो आंसर मिलते हैं वो उनको समझने के बगैर और सवाल करते जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो कहते कुछ चीज़ ऐसी आनी चाहिए जो सवाल ख़त्म होने चाहिए। वो कब आएगी? वो अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि जुनूने ज़िंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे। अपने आप तो हम कर नहीं सकते, अपने आप अगर कर सकते होते तो हम कब के पिता परमेश्वर को पा लेते। तो फरमा रहे हैं कि वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है, कि वो नज़र एक पूर्ण सदगुरु की चाहिए, जिसे
मर्द मोमन कहते हैं, चाहे वो चिश्ती साहब थे, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज थे, चाहे वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे या दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, ऐसे महापुरुष जो प्रभु से एकमेक थे, जिन्हें पिता परमेश्वर का अनुभव किया और उनके हुक्म से जो हम सबको उठाने आए ताकि हमारा ध्यान भी पिता परमेश्वर की ओर हो। कभी कभी ऐसे महापुरुष इशारा भी कर देते हैं, संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जल लिखा भी है कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा। तो समझा रहे कि मैं तो पिता परमेश्वर के पास बैठा था, आपने दोस्त के पास बैठा था, लेकिन वक्त को जरूरत हुई तो वहां से मैं नीचे आया। वो यहां भी समझा रहे हैं कि वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है, कि वो एक सदगुरु की एक प्यार भरी निगाह हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे दिमाग को, हमारे मन को शांत कर सकती है। और जब तक वो होगी नहीं, तब तक जो सदा सदा के जुनून की अवस्था है, वो जो आनंद की अवस्था है, जो परमानंद की अवस्था है, जो ब्लिसफुल स्टेट है, जो एवरलास्टिंग है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, उस स्टेट में हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और वो स्टेट तब मिलती है जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि एक ऐसे मर्द मोमन, एक ऐसे पूर्ण सदगुरु की नजरे करम हम तब पर पड़े, हम अपने मन को शांत कर पाए, असलियत के साथ जुड़े और अपनी मंजिल तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाए।